अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरी दुआ है कि खुदावंद कुदस तुम्हें और तुम्हारे सब साथियों को मौत की सायादारी, नीसती की खाक और कहरमानी के शराबों से बचा कर रखे। बेटे, अब जबकि तुम थोड़ी देर के बाद यहाँ से रुखसत हो जाओगे, मैं तुम पर ये इंकशाफ करना चाहती हूँ। ये ना ख्याल करना कि दादा के मरने के बाद अब इन सरजमीनों से, इन इलाकों से तुम्हारा ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ मैं कहने वाली हूँ वो सिर्फ मेरे दिल की तर्जमानी नहीं है, बल्कि मेरे अहले खाना के हर फर्द की तर्जमानी है। जब कभी भी तुम आओ, हमारी हवेली का रुख ज़रूर करना, इसलिए कि हमारी हवेली के दरवाज़े हर वक्त तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बेटे, हमारी हवेली में और हमारे ख़ानदान के अफराद में से एक फ़र्द तुम्हें अपनी ज़ात के लिए सिर्फ आशनाई और अपनी मोहब्बत और चाहत के लिए लुत्फ और दिलबर भाई बना चुका है। मेरा इशारा मास की तरफ है, तुम जानते हो वो तुम्हें पसंद करती है। बेटे, उस वक्त भी वो अकेली समंदर के किनारे खड़ी रो रही है। उसे जहाँ तुम्हारे दादा के मरने का दुख और गम है, वहाँ उसे ये भी गम खाए जा रहा है कि तुम यहाँ से कूच करने वाले हो और आइंदा फिर मुलाकात हो या ना हो। बेटे, तुम चले जाओगे पर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मोहब्बत को वो तुम्हारी यादों की अंबर बील और सितारों के साए तले धीमे धीमे सुलगती चांदनी की तरह अपने सीने से लगाए रखेगी। बेटे, मेरी तुमसे बस एक ही इल्तजा है, जब तुम्हारा आना इन सर जमीनों की तरफ हो, हमारी हवेली के दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देना। बेटे, माज अपना मुस्तकबिल तुमसे वाबस्ता कर चुकी है और इस वाबस्तगी को सामने रखते हुए जब कभी भी तुम मुझसे, मेरे शोहर या घर के किसी फ़र्द से भी माज का साथ मांगोगे तो कोई इनकार नहीं करेगा। यहाँ तक कहने के बाद महसूना लम्हा भर के लिए रुकी, उसके बाद बड़े गौर से हसन करसो की तरफ देखते हुए दोबारा वो कह रही थी, मैंने जो कुछ कहना था वो कह चुकी, अब मैं तुमसे ये कहूँगी कि बेटे, मेरी इन बातों का बुरा मत मानना। लम्हा भर के लिए बड़ी आजजी और इनकसारी से हसन करसो ने मिसोना की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अम्मा, आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं। माज एक ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसका साथ एक सादत और खुशबख्त ख्याल किया जा सकता है। रुखसत होने से पहले मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों को भूलूंगा नहीं। हसन करसो जब खामोश हुआ तब पहली बार उसे मुखातिब करते हुए नाबील कहने लगी, भाई, भूलेंगे कैसे, हमारी हवेली में या जबलुल बशारत में सिर्फ माज ही आपकी आमद का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि एक बहन की हैसियत से मैं भी बड़ी बेचैनी से आपकी वापसी की मुंतज़िर रहूँगी। भाई, बुरा मत मानिएगा, देखिए माज उस वक्त किस कदर कर्ब और बेबसी की हालत में खड़ी हुई है। आप रुखसत होने से पहले लम्हा भर के लिए उससे मिल लीजिएगा, आपकी ढार से उसकी तसल्ली हो जाएगी। हसन करसो ने दोनों माँ बेटी का शुक्रिया अदा किया। वो जैसे वहाँ से गुजरते हुए काकाद की तरफ जा रहा हो, माज से कोई बात ना करना चाहता हो। माज के करीब जाकर लम्हा भर के लिए हसन करसो रुका, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं तहे दिल से इस लड़की का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ख्वाबनाक खुशबू और रनाई जैसी अपनी मोहब्बत और लहजा की शरीनी तबस्सुम की नरमी जैसी अपनी चाहत से नवाजा। माज उससे पहले रो रही थी, जब उसने हसन करसो को अपनी तरफ आते देखा तो किसी कदर संभल गई। हसन करसो ने जो अल्फाज कहे थे उसके जवाब में उसके चेहरे पर आंसुओं में डूबा हुआ हल्का सा तबस्सुम नमुदर हुआ। फिर इसी तबस्सुम में वो अपनी शहद भरी आवाज़ में कह रही थी, वो लड़की हर रोज़ जबलुल बशारत की चोटी पर खड़ी होकर आपका इंतज़ार किया करेगी। जवाब में हसन करसो ने कुछ ना कहा, बस आगे बढ़ गया, काकाद के पास गया। फिर वो दोनों अपने साथियों के साथ अपने बहरी बेड़े की तरफ गए और वहाँ से वो अपनी मंजिल की तरफ कूच कर गए थे। वहशी हवाओं के दोष पर जोश मारती भूखे समंदर की लहरें लहू में गूंधती मौत की तरह गरार ही थीं। नई दुनिया की तरफ से सोना और दूसरा कीमती मालो मता लेकर आने वाले हस्पानवी जहाज़ बड़ी तेज़ी से मशरिक का रुख किए हुए थे, इसलिए कि समंदर में चलती तेज़ हवाएं उनके मुआफ़क थीं। लिहाजा चप्पुओं से काम लिए बगैर जहाज़ और कश्तियाँ समंदर के अंदर रवा दवा थीं। ऐसे में सामने की तरफ से कुछ बहरी जहाज़ नमुदर हुए, उनके आगे वो बड़ी बड़ी कश्तियाँ थीं। जहाज़ों के ऊपर बड़े बड़े हस्पानवी परचम लहरा रहे थे। कश्तियों और जहाज़ों के अर्शों पर जो ककाद नौजवान दिखाई दे रहे थे,
हस्पानवी बहरी बेड़े की दौरियों में मलबूस थे। नई दुनिया की तरफ से आने वाले हस्पानवी जहाज़ों ने यही समझा कि सामने की तरफ से उनका अपना बहरी बेड़ा उनकी हिफाजत के लिए आ रहा है।